नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्णव चौहान और आप देख रहे हैं एक्वा लाइफ हाउ टू वीडियोस। आज की ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने वाटर प्यूरीफायर के अंदर पांच चीजें चेंज करके कैसे उसको एक अच्छा वाटर प्यूरीफायर बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहली चीज है जो आप अपने वाटर प्यूरीफायर के अंदर चेंज कर सकते हैं वो है एक अच्छी मेम्ब्रेन। आप जानते हैं मेम्ब्रेन एक ऐसी चीज है वाटर प्यूरीफायर के अंदर जो मतलब पूरे वाटर प्यूरीफायर का आप कंट्रोल करती है। आप मतलब एक 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 बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है वाटर प्यूरीफायर के अंदर मेम्ब्रेन। तो सबसे अच्छी मेम्ब्रेन कौन सी मिलती है अभी मार्केट में? एक डाउ की मेम्ब्रेन आती है, DOW, डाउ की मेम्ब्रेन आपको लगा लेनी चाहिए बहुत ही जल्द। अब आते हैं दूसरी चीज पर दोस्तों। हम अक्सर देखते हैं कि वाटर प्यूरीफायर में लोग एडेप्टर लगाते हैं जो नॉर्मली आप समझ लीजिए 150-200 रुपए के आसपास आ जाता है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा SMPS लगाए जो कि आपके पंप को और आपकी SV को संभाल के रखता है। वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो आते हैं वो नहीं आने देता है। तो आप आज ही एडेप्टर की जगह SMPS लगवा लें। उसकी कॉस्ट आपको 250 या 300 रुपए के आसपास गिरती है, एडेप्टर से 100 रुपए के आसपास ज्यादा है। तो ये हो गई दूसरी चीज। अब तीसरी चीज जो कि इंपॉर्टेंट चीज है वाटर प्यूरीफायर के अंदर मैं आपको बताता हूँ, अच्छी इनलाइन आपको लगाना बहुत जरूरी है। और अभी मार्केट में बहुत अच्छी इनलाइन समझ लीजिए आप अच्छे से अच्छी इनलाइन आप मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो 300-400 रुपए के आसपास आती है। समझ लीजिए जैसे एग्जाम्पल के थ्रू सेंटीमीट फिल्टर आपको 100 रुपए में पड़ेगा, प्री फिल्टर आपको 100 रुपए में पड़ेगा और सेम चीज पोस्ट कार्बन आपको 100 रुपए में पड़ेगा। तो 300 रुपए के आसपास आपको अच्छे से अच्छी इनलाइन आपको मैं एक रिकमेंड करता हूँ, एक्वालाइफ गोल्ड करके है, वो आप खरीद सकते हैं मार्केट से या फिर मैं स्टोर की लिंक आपको दे रहा हूँ वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो ये हो गई तीसरी चीज दोस्तों। अब है चौथी चीज जो कि मतलब हर एक वाटर प्यूरीफायर यूज करने वाले फैमिली को या मतलब जो भी यूज करता है वाटर प्यूरीफायर अपने घर के अंदर ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं। मैंने अपनी अगली वीडियो में भी आपको बताया था जो पिछली मैंने बनाई है वीडियो कि पंप आप कौन सा अच्छा यूज करें। तो दोस्तों चौथी चीज है जो आप चेंज कर सकते हैं वो है BNQS का पंप। BNQS का पंप है जो आप चेंज कर सकते, जो आपको 3-4 साल उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये चार चीजें हो गई दोस्तों। और एक बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करने की जरूरत है आपके वाटर प्यूरीफायर में चेंज, वो है बायोसेरा की अल्कलाइन फिल्टर। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी चीज है जो मैं एक्सपीरियंस करी है और मैं खुद यूज करता हूँ और मेरे अपने जो क्लाइंट हैं जो मैं प्यूरीफायर बेचता हूँ उन सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप बायोसेरा की अल्कलाइन फिल्टर लगवा लें। तो ये पांच चीजें सी थी दोस्तों जो आप लगवा सकते हैं अपने वाटर प्यूरीफायर के अंदर या आप खुद मतलब स्टोर से खरीद के लगा सकते हैं। और स्टोर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लीज जाइए देखिए एक बार और खरीद सकते हैं। मार्केट भाव से बहुत अच्छे प्राइस में आपको मिलेगी ये फॉर श्योर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने लिंक दे दी है स्टोर की जहां पर आप जाके वाटर प्यूरीफायर के कोई भी पार्ट्स खरीद सकते हैं और खुद से भी इंस्टॉल उसको कर सकते हैं आपके वाटर प्यूरीफायर के अंदर। और कोई भी हेल्प चाहिए तो मैंने उधर व्हाट्सएप का एक नंबर भी डाल रखा है जहां पर आप जाके मैसेज करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज फ्रेंड कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, मैं सॉल्व करने की पक्का कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और जल्दी से ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा अपने इस चैनल में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।